you can do that. So there are the two routes. One is the legal route and second route may be of the persuasion. We will try, let it work, right? और चेंज सिनारियों में जहां हम हर जगह माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव फोर्सेस जो है ना उनको ब्लॉक कर रहे थे, शायद वो नेगेटिव फोर्सेस वहां से वैनिश कर जाएंगे, तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें पहली प्रायोरिटी में क्राइम फ्री भारत के ऐप का यूज करना है, क्योंकि उससे हमें फायदा मिलेगा कि कौन किसको जोड़ रहा है, उसके नंबर मिल जाएंगे हमें, राइट। That will be a very valuable thing, क्योंकि उसके आधार पर ही आगे के काम होने वाले हैं। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी मान लेते हैं तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उनको छत पर चढ़ के उनको हाथ मजबूत करना है, उन्हें 303 की जगह 543 सीटें दिला देना है। हमारा चैलेंज तब आएगा जब किसी कारण से माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं सुनते हैं, यदि वो उनको लगता है कि मैं इस देश का मुझे कहने दो यार। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये लगता है कि हम जो है इन छोटे लोगों की बात क्यों माने, मैं इस देश का 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे पास इतनी सारी संस्थाएं हैं, मेरे पास RSS है, 1000 से ज्यादा संस्थाएं बैकएंड पे काम कर रही हैं, बहुत सारे टेक्निकल लोग बैकएंड में काम कर रहे हैं, मैथ्रियन गुप्त कौन होता है, राइट। यदि वो नहीं मानते हैं तब हमारी समस्या आती है, और उसका बड़ा आसान वो निदान है कि जो 543 लोग जो ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे उनको टिकट दे देंगे, छत पर चढ़ कर उनको जिता देंगे, और फिर जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे वो जाके मैथिलीशरण गुप्त कर देंगे। लेकिन हमारी प्रथम प्राथमिकता ये है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही कराना चाहते हैं। बस हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करें, अनुनय करें, विनय करें, ये हो जाएगा। चलिए अब आप कुछ कहना चाहते थे। तो पहले आप चाहते हैं कुटुंब वाला, सेकंड लिंक टेलीग्राम, थर्ड वाइबर और फोर्थ वाला सीएफबी भारत है ना? सीएफबी भारत है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जो आपने मटेरियल परोसा है उसको एज इट इज बना रहे, और जो आपने वो लिंक का वो दिया है उसमें कुछ बॉक्स ऑक्स बना के कैन बी मेक इट इम्प्रेसिव। जैसे आजकल जैसे जैसे आप जहाँ हाथ बढ़ाओगे तो वो बड़ा हो जाता है, राइट। सुमित और इन लोगों से पूछो, मनीष से, कि इज इट पॉसिबल कि जैसे आप जहाँ पे भी हाथ बढ़ाएं यदि वो बड़ा दिखने लग जाए तो उसकी रेडियबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं समझे ना। जैसे आपने जैसे जहां भी आपने हाथ मूव किया, एक तो हो गया क्लिक करना, एक होता है हाथ मूव करना, तो जैसे आप हाथ मूव करेंगे तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। वो तो अभी भी है सर, अभी भी है, बट दैट विल बी देयर इन ब्राउजर वर्शन, नॉट इन द ऐप वर्शन। ऐप वर्शन में विच एवर मोबाइल हैज गिवन फीचर्स ऑफ दैट, दैट इट विल वर्क। अब वो एक मिनट सर, मैग्नीफायर ऑप्शन है वो हर एक मोबाइल में है, बट इफ यू एनेबल दैट। नहीं है, अभी जो है ना मेरे पास वही वाला खुला हुआ है, और उसमें क्या हो रहा है कि आप क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाएगा वो, लेकिन बड़ा नहीं हो रहा है वो, बड़ा वो हो जाएगा। एक मिनट सर, अभी देखो बड़ा क्या हो रहा है, जो उंगली वाला हो रहा है, मैं जो दूसरा बड़ा आप कह रहे हैं जूम इन जूम आउट वाला बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। हम जो कह रहे हैं वो दूसरी बात कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जूम करिए हमने होम में हाथ लिया तो अभी होम क्या हो रहा है, वो नीला हो रहा है, अब वो होम बड़ा हो जाएगा, दिखने लग जाएगा, राइट। हमारा जो है वो जो है ना वो चीजें बड़ी दिखने लग जाएंगी, सो दैट पर्सन कैन रीड इट, मतलब उसकी रीडेबिलिटी कैसे बढ़े, ये बड़ा एक पॉइंट है। एक मिनट सर, अभी आप सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे चले गए। अभी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है क्या ढूंढिए। एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी, पासवर्ड, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, प्रोटेक्शन, बैटरी, यही है एडिशनल सेटिंग। इसमें वो प्राइवेसी अगर के अलग से नहीं है, बट प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन इज देयर। नहीं, एक्सेसिबिलिटी फीचर, एक्सेसिबिलिटी का उस नाम से नहीं है वो, आपके हमारे और उसमें फर्क होगा। एडिशनल सेटिंग्स में देखिए, एडिशनल सेटिंग में चले गए। उसमें एक्सेसिबिलिटी है, क्लिक कीजिए वहां पे, क्लिक किया, और विजन का कुछ है, विजन एक्सेसिबिलिटी समथिंग। पहला है एक्सेसिबिलिटी बटन, दूसरा है शॉर्टकट फॉर द लॉक स्क्रीन, तीसरा है एक्सेसिबिलिटी मेनू, चौथा है डाउनलोड ऐप। एक्सेसिबिलिटी मेनू क्लिक कीजिए। एक्सेसिबिलिटी मेनू, एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट में जो है ऑफ है, वीवो ऑफ है, वीवो
एक्सेसिबिलिटी मेनू में उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है, एक्सेसिबिलिटी मेनू प्रोवाइड्स कन्वीनियंट शॉर्टकट दैट अलाउ यू टू कंट्रोल योर डिवाइस, टर्न दिस फीचर ऑन एंड टैप द एक्सेसिबिलिटी बटन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन टू ओपन द मेनू। करेक्ट, वो ऑन कीजिए। ऑन कर दिया, एक मिनट। वो कह रहा है दिस सर्विस विल परफॉर्म दीज एक्शंस, फुल कंट्रोल इज अप्रोप्रिएट फॉर द ऐप दैट हेल्प्स यू विद एक्सेसिबिलिटी नीड बट नॉट फॉर मोस्ट ऐप। व्यू एंड कंट्रोल स्क्रीन, व्यू एंड परफॉर्म स्क्रीन, अलाउ कर दें इसको। हाँ, अलाउ कीजिए, अलाउ कर दिया, कर सकते हैं। ओके, यूज एक्सेसिबिलिटी बटन टू ओपन। करेक्ट, ओके कर दिया मैंने उसको। हाँ, अभी क्या दिखा रहा है? नहीं, अब उसमें ब्लू हो गया है वो, और उसमें जो नीचे बटन है वो जो है उसने हमें गूगल असिस्टेंट, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, पावर, वॉल्यूम, रीसेंट, लॉक स्क्रीन, ये सब चीजों का फीचर हमको दे दिया उसने। नहीं नहीं, अभी एक्सेसिबिलिटी में उसने ये एक्सेसिबिलिटी हमको दे दी है कि यहाँ से हम, अच्छा एक मिनट, बाद में भी दिखाई देगा क्या? हाँ, ये एक शायद ये हमेशा रहेगा। इसका मतलब ये है, जस्ट ए मिनट, इसका मतलब है इस बटन को परफॉर्म करके हम जो है गूगल असिस्टेंट के पास जा सकते हैं, पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम पे जा सकते हैं, राइट, और हम जो है रिसेंट पे जा सकते हैं, लॉक स्क्रीन पे जा सकते हैं, टॉगल पे जा सकते हैं, नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं, स्क्रीन शॉट पे जा सकते हैं, right? इसका मतलब है हम इसके माध्यम से स्क्रीन भी ले कर सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नीफायर कुछ है क्या? नहीं, मैग्नीफाइंग का ऑप्शन नहीं है उसमें, टॉगल का ऑप्शन है, टॉगल ऑप्शन इज देयर। नहीं नहीं, अभी एक्सेसिबिलिटी फीचर में विजन एनहांसमेंट रहेगा, वहां पे मैग्नीफाइंग ऑप्शन भी रहेगा, कई मोबाइल में है वो। ओके, आपके मोबाइल में विजन एनहांसमेंट और मैग्नीफाइंग ऑप्शन है क्या? एक मिनट, अभी मैं देखता हूँ। नहीं, वो मैग्नीफाइंग का ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। हाँ, मोस्ट ऑफ द मोबाइल विल बी हैविंग। नहीं, ये ऑप्शन नहीं दे रहा है वो। तो पहले एक्सेसिबिलिटी में आप गए और उसके नीचे एडिशनल सेटिंग्स के एक्सेसिबिलिटी में क्या दिख रहा है? एक्सेसिबिलिटी ने हमको एक तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाने का ऑप्शन दिया है, तो वी कैन गो एक्सेसिबिलिटी एक्शन, राइट। शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन करके यदि हम कर देंगे तो वो ही आ जाएगा उसमें, राइट। तो स्क्रीन एनहांसमेंट मैग्नीफाइंग ऑप्शन नहीं दिखा रहा है ना? नहीं नहीं, ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, आप एक बार ढूंढ लीजिए उसको। मतलब मैग्नीफाइंग कुछ ना कुछ नहीं, मैं उसके बाद टाइम नहीं लगाऊंगा ना उसमें। ठीक है सर, ठीक है, तो अपन इस पे काम करें। जो हमने बातें कही हैं ये बातें अपन जो है ना गूगल मीट में करें, और उस गूगल मीट पे जो है ना प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है वो लड़के बच्चे जो है उसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो क्या क्या करना है वो पहले से बना के रखें, और फिर उसको प्रेजेंटेशन में कहें, और गूगल रिकॉर्डिंग करके अपन उसको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, और फिर सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको बार बार सुन के उसको पालन कर लें। ठीक है सर, मैं जो एक्शन अपन उनसे कराना चाहते हैं, एक तो हो गया है कि वो वेब पोर्टल ही करा दे, राइट। अब यदि वो ब्लॉगर वेब पोर्टल के लिमिटेशन के कारण नहीं हो पा रहा है तो एक बहुत छोटा सा काम अपन कर सकते हैं, हम गूगल मीट में बच्चों से कहें कि जो जो काम कराना चाहते हैं उसकी पहले से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखें, राइट। उसके माध्यम से चर्चा के दौरान समझाएं कि साहब इसमें ऐसा ऐसा करें, राइट। उनको अपन जो है ना गूगल मीट में प्रेजेंटेशन का हक दे देंगे तो वो अपने अपने स्क्रीन को प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। और उसको दिखा के हम दो तीन बार में, एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार कर देंगे उसको, तो लोग वो चारों एक्शन जो है ना उसमें आ जाएंगे। फिर हम उसका टाइटल ये दे देंगे, प्लीज डू 4-5 थिंग्स, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन का डिटेल जो है ये बच्चे बना देंगे, राइट। उसको हिंदी में भी कर देंगे, अंग्रेजी में भी कर देंगे, तो ऐसा करने से हमारी रीच आउट बहुत जोर जोर से बढ़ेगी। यदि हम जो है बाकी चीजें जो इनसे कराना चाहते हैं उसके इसी तरीके से यदि हम बच्चों को थोड़ा सा कहें कि वो उसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसको बना लें, और फिर प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो हम लोगों को प्रेजेंट करें, उसकी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको
अपलोड कर देंगे क्राइम फ्री भारत मिशन पे, तो उसकी रीडेबिलिटी और जो है ना रीच बढ़ जाएगी. वी हैव टू डू इट वेरी फास्ट. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? ठीक है सर, मैं एक बात कर लेता हूँ उनसे. ठीक है सर. ठीक है, ओके. ठीक है सर, थैंक यू. अगर आपको लगता है तो मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेना. श्योर सर. राइट, ओके, थैंक यू.